नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती रहती है, कभी चुनाव को लेकर, कभी बयानों को लेकर और कभी मुलाकातों को लेकर। अब आप कहेंगे मुलाकात? जी हां, मुलाकात यहां पर हुई है और मुलाकात हुई है सपा के विधायक इरफान सोलंकी, जो इस समय कानपुर जिला जेल में बंद हैं एक मामले को लेकर, और उनसे मिलने पहुंचे सपा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मुलाकात तो अमूनन जेल में पहली मुलाकात नहीं थी, इस तरह की मुलाकातें चलती रहती हैं, पर ये जो मुलाकात है ये अलग एक चर्चा लेके आई है। चर्चा क्यों? चर्चा ये कि अखिलेश यादव अभी हाल में ही रमाकांत यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, अभी दो हफ्ते से बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात करने पहुंच गए, पर 27 महीने जेल में बंद रहे आजम खां, जिनको सपा का आधार कहा जाता रहा है, उनसे मिलने नहीं गए। कारण क्या है? इसके अलावा अखिलेश यादव के माध्यम से बयानबाजी भी हुई है, कहा गया है कि अगर बलवंत, एक जो हत्या हुई है जेल में बलवंत सिंह, उसकी पत्नी ने एक चिट्ठी भी अखिलेश यादव को लिखी थी, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बलवंत नहीं भागता तो उसका भी विकास दुबे की तरह एनकाउंटर कर दिया जाता। इसके अलावा इरफान सोलंकी को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि इरफान सोलंकी निर्दोष है और यहाँ पर राजनीतिक साजिश के तहत उसको फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और ऐसा सरकार लगातार पहले भी कई बार कर चुकी है। खैर, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पर इसके अलग एक अलग तरह की चर्चा और शुरू हुई है कि कानपुर से आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पोस्टर लगाया है, वो पोस्टर में अखिलेश यादव को छोटे नेताजी का सम्मान दिया है, संघर्षमय छोटे नेताजी, वहाँ पर अखिलेश यादव नाम नहीं दिया गया है, वहाँ छोटा नेताजी कह के संबोधन किया गया है। हालांकि छोटे नेताजी शब्द केवल पहली बार चर्चा में नहीं आया है, इसके पहले प्रसपा प्रमुख रहे शिवपाल सिंह यादव अब सपा में जुड़ चुके हैं, उनकी पार्टी का विलय हो चुका है, उन्होंने भी अखिलेश यादव को छोटे नेताजी की संज्ञा दी थी और कहा था कार्यकर्ताओं की छोटे नेताजी ही उनको कहा जाए, क्योंकि वो दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र है और सपा के प्रमुख है और छोटे नेताजी उनको कहा जाए। तो ये तो रही राजनीतिक चर्चा है मुलाकात की। दूसरी तरफ यहाँ पर सुभाषपा के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में है, और अभी जानकारी मुताबिक उन्होंने बयान दिया था कि अगर शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो अखिलेश यादव से बातचीत हो सकती है। अब बयान क्या है, सिस्टम क्या है, कहना क्या चाहते हैं वो पता नहीं। कभी निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात करते हैं, कभी विकल्प खुले छोड़ देते हैं, और तो कभी यहाँ पर सपा प्रमुख को एसी में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। वो आरोप इस तरह लगाते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि उनके आरोप के चलते उनका सपा से अलगाव भी हो गया। क्या अलगाव चलता रहता है, राजनीति चलती है और मुलाकात भी चलती है, पर प्रश्न यहाँ पर जरूर रहेगा कि आजम खान से मिलने नहीं गए और इरफान सोलंकी से मिलने 2 हफ्ते में पहुंच गए, ऐसा कारण क्या रहा? आजम खान से मिलने के बीच में क्या कमी थी, क्या दूरी थी और क्या मन था कि वहां पर अपनी मुलाकात को उन्होंने संभव नहीं कराया? खैर, बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, जो सरकार ये कहे राम राज्य हम लाएंगे, क्या राम राज्य में इसकी जगह है कि पुलिस तय करेगी कि क्या करना है? क्या राम राज्य में ये तय करना, पुलिस को खुली छूट देना, ये किसने अधिकार दिए? न केवल बलवंत सिंह की जान, इसी तरह प्रदेश के कोने कोने में मैं जानकारी है, हमें समय समय पर पार्टी के लोग पहुंचे, उन परिवारों से मिलने गए हैं। मैंने मांग की है कि बलवंत सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद हो, उनकी पत्नी शाली सिंह पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, जांच वो सीबीआई चाहती हैं या सिटिंग जज उनकी निगरानी में जांच हो, उन्हें ज़मीन मिले और न्याय मिले, कम से कम ऐसे दोषी लोग जेल जाएं। जब मैं उनके परिवार से मिला तो उनके परिवार ने ये कहा मुझे, वो थाने पे थे जब उनके परिवार के सदस्य की पिटाई हो रही थी और जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी वो भी ये कहने के लिए तैयार थे कि ये मेरा भतीजा है, इसका नाम गलत आ गया है, लेकिन पुलिस ने कोई मन नहीं मानी और उसके बाद उसकी जान ले ली।
लेकिन मैं जो जानकारी रखता हूँ वो यही है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इसी तरह झूठा फंसाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैटपुर चर्चा का विषय है और चर्चा विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं शमसी आजाद भाई, प्रवक्ता भाजपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी जी अपना पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव भाई सुभाषपा अपना पक्ष रखेंगे और अजय कुमार श्रीवास्तव भाई राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो विवेक पांडे भाई से रहेगा। विवेक भाई, यहाँ पर मुलाकात तो हुई है पर यह मुलाकात पहले नहीं हुई और पहले अगर होती तो शायद जिस तरह से नाराजगी थी, खैर अब तो नाराजगी मेरे ख्याल से दूर हो चुकी है, और पर कहा जाता रहा है कि रमाकांत यादव से मिलने पहुंच गए थे ठीक, और यहाँ इरफान सोलंकी मैच दो हफ्ते बाद ही मिलने पहुंच गए, पर यहाँ पर आजम खान से 27 महीने मिलने क्यों नहीं गए थे? मैं मुलाकात है, मुलाकात तो करनी चाहिए थी, उनके आधारभूत नेताओं में एक रहे हैं और निश्चित रूप से बड़ा नेता रहे हैं आजम खान, क्या कारण रहा भाई? देखिए, पहले तो पूरे मंच को सरिदा धन्यवाद देते हुए मैं उपस्थित पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा। जी देखिए, जहां तक मिलने और ना मिलने की बात है, परिस्थितियों पे भी काफी कुछ निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात है कि जब आजम खान जी जेल में थे या जब अस्पताल में थे तो ये नहीं कहा जा सकता, ये गलत एक संदर्भित किया जाता है कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मिलने ही नहीं गए। भाई, मीडिया ने भी कवर किया, वेदांता में भी कवर किया, उनके परिजनों से मिले तो भी कवर हुआ, कई बार ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रचलन की बात है, प्रचलित करने का प्रयास किया जाता है। मैं तो ये पूछता हूँ, आप आजम खान की बात कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि जिस सेंगर को बचाने में पूरा तंत्र लग गया था, जिसमें कि सीबीआई तक को दखल देकर के रिपोर्ट देनी पड़ी अधिकारियों के खिलाफ, उनसे मिलने कौन गया था? अरे नहीं मिलने गया, चिन्मय जैन से कौन मिलने गया था? अच्छा, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ, बात अगर आप कर रहे हैं तो भाई साम दाम की बात अगर हो रही है तो बराबरी की बात भी होनी चाहिए ना, भेदभाव क्यों? अच्छा, समाजवादी पार्टी पे ही क्यों, और खास करके तब क्यों जब आदरणीय चाचा जी आज हमारे पूरी तरह से संरक्षक बनकर के ढाल बनकर आगे खड़े हो गए। अच्छा भाई, कल तक तो ये सारे बातें जो थी आलोचना के रूप में अभिव्यक्त की जाती थी, अब तो संवेदना लेने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है, और रही बात सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है, 114 दागी विधायक इनके पहले कार्यकाल में सदन का हिस्सा थे, जो कि एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट थी, और एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 39% 158 उम्मीदवार जो पहले थे, लगभग उनसे ज्यादा 15% अधिक, अभी भी 36% से बढ़ के 15% अधिक अभी भी इनके जो विधायक सदन में हैं, लगभग उनमें कई रेप, कई पे हत्या, इस तरह के आरोप हैं। जी, लेकिन मेरा ये कहना है, जब बात होती है गंभीर रूप से आजम खान जी की, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चला रहा है, भाई बड़े नेता रहे, बात तो होगी, क्यों नहीं होगी, बहुत बड़े नेता रहे हैं और कहीं ना कहीं किरकिरी और दर्द बने रहे हैं भाजपा के लिए या विपक्ष के लिए। अच्छा, तो भाई सीधी सी बात है, जब मजबूत किले को ध्वस्त करना हो तो सबसे पहले उसके सामाजिक हनन उसका करना बहुत आसान होता है, सामाजिक रूप से उसके मर्यादा का हनन करना बहुत आसान होता है किसी भी राजनीतिक द्वंद को पूरा साधने के लिए। अच्छा, और मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आजम खान जी पोस्टर की बात हो रही है, भाई पहले तो मैं बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का प्रतीक्षारत जो आपका ये था प्रमोशन वो हुआ, आरक्षी से मुख्य आरक्षी बने, तो उसके लिए पहले बहुत बधाई, लेकिन आप पोस्टर में ढूंढ रहे हैं छोटा या बड़ा, यहां तो छोटी मानसिकता भेदभाव घर घर गई है संस्थाओं में, भाई 2800 ग्रेड पे आप जो दे रहे हैं प्रमोशन के बाद वो तो 4200 होना चाहिए, भाई जो लेखा और वित्त के एसएसआई पदों के लिए है वो आप कार्यकारी बल पे भी थोपने लगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करने से अच्छा, विपक्ष के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा, थोड़ा जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारीपूर्ण कार्यों को निर्वहन कर लेते तो इस प्रदेश में सुरक्षा और शांति और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था बहाल होती। अच्छा, उससे बड़ी बात एक पोस्टर की भी बात आई, उस पर भी मैं आऊंगा, मैं किसी सवाल से भागूंगा नहीं, क्योंकि देखिए ये सब राजनीतिक शिष्टाचार की बातें होती है, आलोचना केवल ढूंढना अच्छी बात नहीं है, कुतर्क करना अच्छी बात नहीं, शमशी भाई मुस्कुरा रहे, ईश्वर करे आपको भागने नहीं देंगे, नहीं मैं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ भाई शमशी भाई मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मैं हमेशा चाहूंगा फायरमैन प्रवक्ता है भाजपा, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं चाहूंगा ये और फॉरवर्ड बने, मैं चाहूंगा ये तो फायर ब्रांड बने, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि ये अंतरराष्ट्रीय फायर ब्रांड बने, मैं तो इनके लिए शुभकामनाएं संवेदित कर रहा हूँ। चलिए ठीक, लेकिन मुद्दा ये है कि जब बात किसी राजनीतिक दल के आंतरिक विषयों की होती है और आप जब अपने दरवाजे से अपनी लकीर को छोड़ करके
विकास की बातें छोड़ करके, यूपीएसआई स्कैम की बातें छोड़ करके, यूपीएसआई स्कैम भ्रष्टाचार को छोड़ करके, उद्योगों को लाने को छोड़ करके, केवल एक पोस्टर पे केंद्रित हो जाएंगे। नहीं मैं वहां आ रहा हूं, मैं कोई मुद्दा भटका नहीं रहा, मैं इनको याद भी दिलाता चलूं ना कि जो मुद्दे जी हमें याद दिलाइए ना, उस पे भी काम कर रहा है, आपको भी याद दिला रहा हूं, आप भी मंच पे उपस्थित हैं। तो मैं तो ये बात रख रहा हूं, इरफान सोलंकी से मिलने गए ना, उन पर धाराएं लगी हैं, और हमारे विधायक है, हमारे विधायक है, तमाम ये हमारे विधायक है जी, वो तो मिलने गए। अच्छा, लेकिन सेंगर प्रकरण में तो जिस तरीके से पूरा अमला झोंक दिया बचाने के लिए, चिन्मयानंद प्रकरण में जिस तरह से पीड़िता को ही पीड़ित कर दिया, अच्छा उससे तो कम से कम हम बहुत संयमित है। अच्छा। दूसरी बात पे आता हूं। अच्छा। आपने एक पोस्टर की बात की, वो भी बात हो जाए भाई। एक कहा जाता था जब हमारे आदरणीय नेताजी का स्वर्गवास हुआ, तो बड़े संवेदनशील बयान उसमें कई, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि विपक्ष के लोग भी आए, इनके भी नेता आए, विपक्ष के और नेता आए, सभी ने कहा। तो वहां पे एक बात हुई कि जैसे नेताजी की बात होती थी, तो ये कहा गया कि नेताजी के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव जी को छोटे नेताजी से संबोधित किया जाएगा। अच्छा। छोटे नेताजी का मतलब ये नहीं था, वो एक पारिवारिक संदर्भ में कहा कही गई बात थी, एक लोकोक्ति वाली बात कही गई थी, वो हृदय तल से कही गई बात थी, जिसको कि आज राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है। भाई हम कहते हैं कि जैसे आदरणीय मुलायम जी थे, आज हमारे आदरणीय अखिलेश जी हैं, आदरणीय शिवपाल जी भी हैं, लेकिन यहाँ पराकाष्ठा तो ये हो जाती है कि जब आप समाजवादी पार्टी के पहले तो घर में दखल देते हैं, समाजवादी पार्टी के राजनीतिक मुद्दों को घर में दखल देते हैं। भाई चाचा जी का प्रकरण तो आपको याद है, चाचा जी साफ बयान देते थे भाई। भाई तो मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, उस प्रकरण को अगर चाचा जी घर में रहेंगे, चाचा जी दखल नहीं देगा। सुन लीजिए, चाचा जी हमारे अपने हैं भाई, आप कौन थे और आज आप कौन है? पहले चाचा जब भाई जब हमारे विपरीत कुछ कहते थे तो आपको बड़ी संवेदना दिखती थी, आज तो आप आलोचना कर रहे हैं उन्हीं की। आप पहले आपने जेट श्रेणी की सिक्योरिटी दी क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा था। अच्छा। क्योंकि तब आप कहेंगे कि भाई समाजवादियों से खतरा, आज तो समाजवादी ही उनकी सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि आपकी वायु श्रेणी भी काम नहीं आएगी। अच्छा। सबसे बड़ी बात है। लेकिन मेरा ये कहना कि थोड़ा सा अगर इन सब छोटी बातों को छोड़ करके, छोटी राजनीति से उठ करके अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते, उत्तर प्रदेश के विकास की नींव को मजबूत करते, विपक्ष को साथ लेकर के चलते, सकारात्मक कार्यों की बात करते, तो मुझे लगता है आज आगरा एक्सप्रेस वही अंतर मुझे तो अच्छा लगा पार्टी में मुझे अच्छा लगा कि सपा प्रमुख आज मिलने गए। विधायकों से अगर विधायक कष्ट में है भाई, मामला कोई भी, पर आप मिलने गए, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। आपके आपके मुखिया और नेता अगर लोग भवन से ना निकले तो उसके लिए हम जिम्मेदार तो है नहीं। अच्छा। हम तो अगर एक बार हम सड़क से केवल सदन तक जाने के लिए उतरे तो इन्होंने पूरा हमला खड़ा कर दिया। अच्छा भाई, हम तो ये पूछ रहे हैं कि पहले तो आप लोग भवन से बाहर आना शुरू करिए, गड्ढे भरने की बात कर रहे थे जब शुरू में आए थे। अच्छा, आज गड्ढों की स्थिति यह है कि आप ज्यादा नहीं, दूर नहीं, यही कैसरबाग चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डेली अप डाउन करते हैं वहां से वकील, कितने परेशान आप देख लीजिए जाकर, बहुत दूर की बात नहीं कर भाई। एक गड्ढे भर नहीं पाए, प्रदेश के विकास नहीं कर पाए, विपक्ष के केवल मुद्दों में बैठ करके अपना समय काटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझी भाई। भाई क्या दिक्कत है भाई, आप लोग उनके परिवार में क्यों बोलते हैं? इसके अलावा अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं तो क्यों आप लोग मिलने नहीं जाते? कुलदीपर से तो ये भी नहीं जाएंगे क्या? वो आजम खान से अगर मिलने नहीं गए तो कोई व्यवस्था रही? आजम खान जी पे जितने मुकदमे इन्होंने लादे, मुर्गी बकरी जो मानसिकता इनकी है। हाँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कितने साबित कर पाए आप? अच्छा, और अगर साबित नहीं कर पाए तो मुकदमे किस बात के किए गए? और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार दिया उत्तर प्रदेश सरकार को इस मसले पे। तो मुझे लगता है कि फटकार के सिवा आपको आजम खान जी के मुद्दे पे कुछ मिला नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ये प्रयास करते हैं मीडिया सेल के द्वारा आजम खान जी का केवल चरित्र हनन करने का प्रयास, उनके सामाजिक मर्यादा का हनन करने का प्रयास। तो इतना इतना उनके साथ गलत हुआ तो आप रोड पे क्यों नहीं आए भाई? भाई हम तो उतरे, हम तो रोड पे हर बार उतरे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, हम एक बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग, हमें तारीख समय बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप लोग कौन से एसी, लोग कौन के एसी से बाहर नहीं निकलते? हम तो सिर्फ सदन तक पैदल जाने के लिए निकले थे, क्यों हमला लगा दिया? अच्छा, क्या अब उत्तर प्रदेश में कोई पैदल भी चल सकता? कोई उत्तर प्रदेश में पैदल नहीं चल सकता, आप बता दीजिए। पैनल में बैठे हुए सभी हमारे बड़े भाइयों का, खास करके विवेक भाई के स्वस्थ कामना करता हूँ मैं, इनके लिए भगवान का स्वस्थ बनाए रखे, आपको बड़ा बड़ा पद आपको मिले और भारतीय समाजवादी पार्टी के विचारों को रखते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को तो अब हम लोग समाजवादी पार्टी नहीं कहते, अखिलेशवादी पार्टी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि समाजवादी जो है, आरएसएस भी योगी होगी, भाजपा भी होगी, आप बड़े भाई होने का थोड़ा सा यहाँ पर आप दिखाई कि आप बड़े हैं तो आप उसका जो है सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बहुत धैर्य पूर्वक सुना, हालांकि आपकी बातें सुनने लायक नहीं थी। आपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा, बहुत कुछ कहा कि वो एसी से नहीं निकलते, अखिलेश जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एसी से नहीं निकलते, अखिलेश जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बोल तो लेने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपको फिर मौका मिलेगा, गौरव जी आपको फिर से मौका देंगे। एसी से नहीं निकलते लेकिन पूरा देश गवाह है, सोशल मीडिया गवाह है और सारे चैनल गवाह है कि जब देश त्राही त्राही कर रहा था, गंभीर बीमारी से लड़ रहा था, कोरोना जैसी बीमारी से, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने
पूरे प्रदेश का दौरा किया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे जब कहेंगे तब मैं फोटो भेज दूंगा, जब कहेंगे तब वीडियो उसका भेज दिएगा योगी आदित्यनाथ जी का। और आपको एसी से निकलने की सलाह या हमने नहीं की, हमने आरोप लगाया, ये आपके गठबंधन दल के नेता जो थे उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए, आपके सुभाषपा के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था, आपके चाचा शिवपाल यादव जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था कि अगर आज अखिलेश यादव हमारे कहने पे चल रहे होते तो सत्ता में हम बैठे होते, इस तरीके से हम जो है विपक्ष में बैठे होते, ये विधानसभा में उनका बयान है, हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो जनता की सुनने के लिए बैठे रहते हैं, हम तो जनता की बातें सुनते हैं और लगातार हम उस पर प्रयास करते हैं। अब आ जाइए जो मेन मुद्दा है डिबेट का, कि आप मिलने गए अखिलेश यादव जी, किससे मिलने गए, एक अल्पसंख्यक विधायक है उनसे मिलने के लिए गए, क्यों मिलने के लिए गए, इनका बहुत बड़ा नेता, असल में अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ही पार्टी का जब कोई नेता या उनके गठबंधन दल का नेता जब बहुत बढ़ने लगता है, जब उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है तो ये उनको सताने लगता है। और आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में भी जयंत चौधरी का बहुत बड़ा नाम था, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में नाम था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल में समेट दिया और जयंत चौधरी को पश्चिम में समेट दिया, जिसकी वजह से दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र में सीमित रह गए। और ये उनको जब एहसास हुआ ओम प्रकाश राजभर जी को, तो उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ दिया। अब ये होता है कि जिस बिरादरी के नेता थे आजम का, 27 महीना जेल में रहे और उसके बाद एक बार भी अगर उनके परिवार से, अखिलेश यादव के परिवार से कोई नेता नहीं गया मिलने के लिए, तो उनके समाज के लोग नाराज हुए और नाराजगी आपने देखा कि आजमगढ़ के उपचुनाव में आपने देखा कि वहां पर भी अल्पसंख्यक समुदाय जो है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, और रामपुर का चुनाव भी जब होता है उसमें भी यही होता है, और उसके बाद अभी भी जो चुनाव हुआ तो उसमें एक इनका बड़ा वोट बैंक जो था वो खिसककर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी ने भेदभाव की जो राजनीति करी है, आज आपने देखा कि अभी एक डेढ़ महीना भी नहीं हुआ होगा जेल में उनको बंद हुए, लेकिन अखिलेश यादव को ये अब दिखाई देने लगा है कि हम वही नेता हैं कि जिसके लिए स्वर्गवासी पिताजी ने हमारे टोपी लगाई और मुल्ला कहलाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट लेना था और मुसलमानों ने उनको भरपूर वोट दिया। समझ गए बात है जी, बिल्कुल पूरी तरीके समझ गए, तभी तो आप देखें कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक थी तो उसमें पूरे प्रदेश से आए हुए थे लोग, और सबका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में पूरे अल्पसंख्यक समाज का, पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का वोट मिलेगा, क्योंकि अब जो है मुसलमान, अब अल्पसंख्यक समाज जो एक डर था, जो एक भय था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो दोयम दर्जे का बना देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपके घरों में बच्चे नहीं पैदा होने देगी, नपुंसक बना देगी, तो ये सारी धारणाएं विपक्ष की जो डराने धमकाने वाला काम समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस कर रही थी, तो ये देख लिया 6 सालों में 7 सालों में इतना समय। अच्छा, कुलदीप सेंगर की और उनकी बोले, चिरमेरन की बोले, आप लोग कुलदीप सेंगर और ये सब पुराने गड़े मुर्दे, हम ताजी बात अभी कर रहे हैं, हम अभी ताजी बात कर रहे हैं, अगर उस पर चर्चा की जाए तो बहुत है, लेकिन अगर हम चलेंगे तो फिर वही चाचा भतीजे की बात आएगी, मुलायम सिंह यादव की बात आएगी, कार्तवकों पर गोली चलाने की बात आएगी, तो ये सब बातें करने से नहीं, आपका डिबेट अभी ताजा मुद्दे पर है तो उस पर रहा जाए, तो हम यही चाहेंगे कि अगर इस पर बात की जाए तो ठीक रहेगी। दयाराम भाई, भाई ओम प्रकाश राजभर भी राजनीति में बने रहते हैं और सुनने में आया है कि बयान दिए थे कुछ समय पहले, अभी हाल में ही, कि शिवपाल सिंह यादव अगर पहल करें तो फिर बातचीत हो सकती है। ये बातचीत कैसे होगी अब भाई? आप तो बोल चुके एसी में काम करते निकलते नहीं है, अब अचानक से ये मन भंग कैसे हो गया, ये मोह कैसे जाग रहा है? जी गौरव भाई जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जो भी बोलते बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया किस तरह से 2022 के चुनाव में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की बातों को नजरअंदाज किया, आदरणीय शिवपाल यादव जी के बातों को नजरअंदाज किया। अच्छा, अभी उसका जीता जागता सबूत जो है 2022 का चुनाव में। ठीक, दूसरी बात, कानपुर में मिलने जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, मुसलमानों का वोट खसकता देख अब ये अपना जताना शुरू कर दिए कि हम ही रहनुमा है। जब मुसलमान अपना रोजी रोटी स्वास्थ्य रोजगार दबाए, चले गए आप कहीं, आज ये लोग जो है इस तरह की बातें जो है करेंगे। रही बात राजभर जी की, राजभर जी ने जो कहा है वो सही कहा है, नहीं अखिलेश आदरणीय शिवपाल चाचा ने क्या कहा था जी, अभी राजनीति में आए परिपक्व हैं। अच्छा, तो इसका जीता जागता सबूत है, ये हमने नहीं कहा, ये शिवपाल जी ने कहा है। अच्छा, अब रही बात ये मिलने जाएंगे
सोलंकी से कानपुर मिलने गए थे, आजम खान से मिलने नहीं गए थे। अच्छा। दूसरी बात, हाँ। आजम खान के परिवार से, वहीं से उनके समाज के लोगों ने कहा जी कि अब्दुल्ला दीप नहीं बिछाएंगे, हमारा समाज जो है तभी बिछाएगा। अच्छा। वहां से उन लोगों ने उनको छोड़ करके कहीं अगर तो जाने का काम किया। अच्छा। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी इनके घर मुसलमानों के घर जाएंगे वोट के लिए, लेकिन किसी पाल प्रजापति गडेरिया अर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार प्रजापति कश्यप भीमर इन लोगों से मिलने इनके घर नहीं जाएंगे। इसलिए जो आते पिछड़ी जातियां हैं, अच्छा। इसको समाजवादी और इनके मुखिया ये वोट बैंक अपने, अरे आप मुद्दा भटका ले गए भाई, मुद्दा भटका ले। बात सुनिए, देखिए देखिए हमारी बात सुनिए गौरव भाई, हम मुद्दा क्यों भटकाएंगे भाई, हम तो पूछ रहे हैं आप जाएंगे क्या। हम तो मुद्दा दे रहे हैं आपको। अच्छा, दे रहे हैं क्या? किसी राजभर के पाल प्रजापति गडेरिया या चौहान अर्कवंशी बिहार खंगार बंजारा के यहाँ मिलने गए, उसे पूछ लीजिए भाई हमारे समाजवादी के नेता। हम तो आपसे कह रहे आपके माध्यम से जाना चाहते हैं, पूछे ये अति पिछड़ी जातियां क्या इनकी गुलाम है? जब ये सत्ता में थे तो इनको ध्यान नहीं आया, अब सत्ता से अलग होने, ये बात हर बार होती है। ये बताइए, जब आपने शिवपाल सिंह यादव का नाम लिया कि शिवपाल सिंह यादव अगर पहल करेंगे तो हो सकता है फिर बातचीत हो जाए, तो शिवपाल सिंह यादव से आपका मुंह है जी? मैंने कहा, अगर ये नेता जी ने कहा कि चाचा जी गए हैं क्या, 2022 में चाचा जी समाजवादी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े? अच्छा। क्या उनके विधायक नहीं लड़े? उन्होंने अपनी पार्टियों को नीतियों को छोड़ करके समाजवादी में आकर के प्रचार प्रसार किया। अच्छा। ना तो उनकी बात सुनी गई, ना तो उनके अनंतर लोगों को वहाँ पे क्या नाम है डाला गया या उस तरह का। अच्छा। उन लोगों को जो है मिला नहीं सम्मान। तो आज अगर चाचा शिवपाल गए हैं तो जो शिवपाल जी के साथ जो कार्यकर्ता नेता चाचा शिवपाल के साथ थे, जो समाजवादी से नफरत करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नीतियों में बिल्कुल उससे अस्वस्थ नहीं है। अच्छा। क्या उनका मन करेगा वहां जाने का? तो कहां जाएंगे? ये तो विषय बना हुआ है, ये विषय बना हुआ है। आप बताइए, जिन लोगों के प्रताड़ना समाजवादी के मुखिया थे, प्रताड़ना से ही तो वो लोग हट करके आए थे चाचा शिवपाल के साथ, तो क्या वो लोग जो प्रताड़ना हुआ है, आप दूरी में एक है क्या? आप लोग भी वही है क्या? आप लोग भी वही, आप तो अलग है ना? दिल मिल सकता है, दिल नहीं मिल सकता? 2017 के प्रकार आप क्यों बोला दिल मिला नहीं मिल सकता? देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए जी। आदरणीय नेता वो प्रताप भाई, जो भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं जी, और जो बात कहते हैं बिल्कुल खुल के बात बोलते हैं, उसमें इधर उधर की गोलमोल की कहीं बातें नहीं होती। अच्छा, पर दयाराम भाई पूरी बात कर दी आपने, पूरी जाति गिना ली, सारी बात कर ली, पर ये स्पष्ट नहीं किया कि जो कहा है उन्होंने कि शिवपाल जी चाहेंगे तो बातचीत हो सकती है, तो दोबारा यानी यहाँ पर मुहबत होगी क्या, दोबारा जुड़ाव होगा? आदरणीय नेता जी ने कहा जी कि जो दल मिले हैं दिल नहीं मिले हैं, जो समाजवादी से लोग नफरत करके चाचा शिवपाल के साथ बसपा के साथ आए थे, क्या वो लोग वहाँ समझौता करेंगे? क्या उन लोगों का दिल मिलेगा? अच्छा। क्या उन लोगों को सम्मान मिलेगा? ठीक, सबसे प्रथम बात है। अच्छा, आपका दिल मिलेगा? हाँ, ना बताइए चाचा की बात को, आपका दिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने देखा होगा जी, समाजवादी पार्टी की भूमिका में समाजवादी को खड़ा करने में अगर आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह का हाथ रहा तो उसका दूसरा हाथ नाम था शिवपाल यादव जी का। अच्छा। लेकिन आप बताइए कि पिताजी को दरकिनार करके, अरे आप सपा प्रवक्ता थोड़ी ना है, आप सुभाषपा प्रवक्ता, मुझे बताइए आप दिल मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, आप बताइए सीधा, नहीं मिलेगा दिल खत्म? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। मैंने कहा ना दिल मिल गया, दिल थोड़ी मिलेगा प्रसपा का, नहीं मिलेगा सुभाषपा का, मिलेगा नहीं मिलेगा? की बात कर रही है अपनी बात ही, सुभाषपा का क्यों मिलेगा? सुभाषपा वहां थोड़ी गई है भाई। ठीक है ठीक है, सुभाषपा क्यों जा रही है? बेबे भाई नहीं मिलने वाला, ठीक है ठीक है, सीए डर भाई, ठीक है भाई। अभिमन्यु त्यागी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? आपकी तो यात्रा जोरों शोरों चल रही है, अब सुना है यात्रा शायद रुकने भी वाली है, राहुल गांधी कहीं जाने भी वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, हालांकि अभी सूत्र पूरे नहीं आए हैं, फिर कहीं मुद्दा ले लेंगे। पर बताइए, जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव मुलाकात करने जा रहे हैं, यहाँ पर सुभाषपा के प्रमुख बता रहे हैं कि हो सकता है बातचीत भी हो सकती है, तो कैसे देखते हैं? और कांग्रेस की क्या स्थिति है भाई? अभियान चलाने वाले 26 जनवरी के बाद से, इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा चली रही है आपकी, लगातार संगठन को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है, पर जो राजनीतिक सरगर्मियां उनको कैसे देखते हैं जी? जय हिंद, वंदे मातरम जी। राहुल गांधी जी जिस संकल्प के साथ यात्रा कर रहे हैं जी, उसका अब रिजल्ट मिलते हुए भी दिख रहा है, जनता प्यार कर रही है, कहां मिला है, यात्रा के साथ में खुद जुड़ रही है जी,
और जो मुद्दे हैं जो वो सीधा इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो मीडिया की जो एक एक वर्ग मीडिया का जो वर्ग जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है गोदी मीडिया। भाई आप ये क्या क्या बोलते हो, वर्ग जुड़ा हुआ है गोदी मीडिया, ये समझ में नहीं आता है। ये कौन सा वर्ग है जो आप बताते हैं कि गोदी मीडिया एक वर्ग सरकार से जुड़ा हुआ है? उस ये गौरव जी, ये वर्ग वो है जो छवि खराब करता है विपक्ष के नेताओं। अच्छा, जो विपक्ष में कोई जनहित की बात करता है उसको गद्दार यानी जो विपक्ष को दिखाए वो अच्छा है। नहीं नहीं, जो पप्पू पप्पू कहे जाते हैं उनकी बात आप कर रहे हैं क्या? अरे भाई ये बात मत कहिए, समझो जो दुष्प्रचार करता नहीं, है आप बताए ना कि मीडिया के ऊपर जब आप भीड़ नहीं जमा कर पाते तो मीडिया पे आरोप लगाएंगे, वोटर हाँ। नहीं इकट्ठा कर पाते तो आप मीडिया के ऊपर आरोप लगाएंगे, अब सारा आपका जो है नुकसान मीडिया ही कर रही है। अब आप क्या सारी मीडिया की गारंटी ले लेंगे क्या? आप नाम बता दीजिए, जो तिहाड़ी जेल भी कहलाए जाते हैं, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर थोपना कांग्रेस पार्टी का यही धर्म रहा, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का लगातार पतन होता चला जा रहा है। आप उनकी गारंटी ले लेंगे क्या? अरे कहिए बोले, और अच्छे लोग सब जगह जो गलत है कम से कम उनके खिलाफ तो आपको भी बोलना चाहिए। चले ठीक है, आज जब देश को जरूरत है कि नफरत के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। अच्छा ठीक है बोलिए, तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं जी। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, विकास का, किसानी का, नौजवान भटक रहा है, अग्निवीर से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ऐसे वक्त पे राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक विचारधारा है जो देश को बांटने की बात करती है, नफरत फैलाती है, और एक तरफ वो प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हुए हैं, लोग उनको प्यार कर रहे हैं, अब जिन्हें जलना है वो जलते रहेंगे। जहां तक देखिए अखिलेश यादव जी की, जहां तक अखिलेश यादव जी की और मुलायम माफ करें शिवपाल यादव जी की बात है, ये इनका अंदरूनी मामला परिवार है और परिवारों में झगड़े नहीं होने चाहिए। आज वो एक साथ बैठे हुए हैं, इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें जलना नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है परिवार टूटे ना, परिवार मिलके चले तो कहीं ना कहीं अच्छा भी होगा। अभिमन्यु भाई स्वागत करना चाहिए, आपकी बात से लग रहा है 24 की तैयारी पूरी हो गई है। 24 की कांग्रेस पार्टी कभी भी परिवार तोड़ने का काम करती नहीं है। अच्छा, अगर दो भाइयों में लड़ाई करवाए वो फिर वो देश की क्या बात करेगा? कौन सी पार्टी तोड़ने का काम करती है? पड़ोस में लड़ाई करवाए, कौन सी पार्टी है जो तोड़ने का काम करती है? पड़ोस में लट बजवाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता ना। कौन सी पार्टी है तोड़ने का काम कर रही है? कौन सी पार्टी है? एक एक विचारधारा है जी, जो आजादी से पहले अंग्रेजों की तरफ थी। अच्छा, आज वो पूंजीपति की तरफ है, तब भी जनता के खिलाफ थी, आज भी जनता के खिलाफ है, सब लोग जानते हैं कौन लोग है वो। अच्छा, किसानों का आंदोलन हो तो ये कहते हैं खालिस्तानी बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर किसान आंदोलन करे, इनके मंत्री का बेटा उनपे गाड़ी चढ़ा दे, लिंचिंग कर दे तो शाबाशी देते हैं। अच्छा, कोई बलात्कारी बाहर निकल गया इनकी पार्टी का हो तो उसके गले में फूल माला डालते हैं। तो ये अब ऐसे लोग तो देश में बंटवारे की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे। इनके हैदराबाद के लोग भी हैं जो 15 मिनट पुलिस को हटा दो इलाज बांधने की बात करते हैं, पर कभी उनपे कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता है वो कुछ बोल जाएगा, खुदा ना खास्ते गलत बात निकल गई तो उन पर कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष से जुड़े जो भाजपा के लोग हैं उन पर कितनी कार्रवाई होती है सबको पता है। अच्छा, कार्रवाई नहीं होती क्या? कहां कार्रवाई होती है? कोली सेकर कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? इतने लोग खुलेआम घूम रहे हैं जी। ADR का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले मुकदमे जो चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर है, 111 विधायकों पर। अच्छा, ये लोग डिबेट में क्यों बोलते, रोड पे क्यों नहीं बोलते भाई? ये जनता से रोड पे नहीं बोलते जी, अभी तो संगठन का विस्तार चल रहा है, लोगों को नहीं समझा पाए पहले, ठीक है अब समझा लेंगे, चलिए समझाएंगे, लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे तो ठीक है, बात को समझा पाएंगे। ठीक है अभिमन्यु जी, आप समझाते रहिएगा, बहुत अच्छी पहल भी, संगठन जरूरी है और निश्चित रूप से पब्लिक के बीच संदेश देना जरूरी है। अजय भाई, भाई यहाँ पर भाई विश्लेषण तो आपको करना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जिस तरह से प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता सपा और दयाराम भाई ने कहा है, दयाराम भाई तो कह रहा कि अंत तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि कहाँ जाएंगे, हालांकि भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कैसे देखते पूरे मुद्दे को आप? गौरव भाई, मैं अंतिम बात से स्टार्ट करूंगा जहाँ मनु जी ने खत्म किया है जी, बात को जी। सब मुद्दा तो आपका आजम खान है, जेल में मिलने क्यों नहीं गए, लेकिन जो मनु जी ने लास्ट में खत्म किया इस डिबेट को, अपने बात को, कि कोई मुद्दा ऐसा हो जो विकास का मुद्दा हो या इस तरह का मुद्दा हो जिससे जनता के मामले जुड़े हों, तो ये तो राजनीति ही नहीं रही। अब ये कह रहे हैं संगठन बना रहे हैं, इतनी पुरानी पार्टी आज भी संगठन ही बना रही है, तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी पुरानी पार्टी आज भी संगठन बना रही है जी। भाजपा का क्या है? भाजपा करी दो लोग लड़ो, हमारा फायदा है, जैसे वो आम आदमी पार्टी भी अच्छा लड़े, कांग्रेस भी अच्छा लड़े, तो उनका अपने आप फायदा हो जाएगा। तो वो तो अपनी पॉलिसी कायम किए हुए हैं और वो लंबा बना चुके हैं एजेंडा आगे तक का, कि वो कैसे क्या करना है जी।
कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या और भी पार्टियां जो भी हैं, वो सारे लोग अभी भी जातिगत समीकरण, धर्मगत समीकरण, रंग पर राजनीति, इसी को मुद्दा बना करके जनता को उकसा करके वोट लेने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए कि आजम खान से मिलने क्यों नहीं गए? अभी हाल में रामपुर में चुनाव था जी, बगल में मैनपुरी में था, मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी बिना किसी प्रयास के भी जीत जाती है। उसका कारण ये था कि मुलायम सिंह यादव की अभी जी हाल ही में मृत्यु हुई है, उसका प्रभाव था और वो जीत जाती। लेकिन बावजूद इसके देखिए कि जहां तक मैं जानता हूं, संगठन के एक एक सिपाही समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में लगे रहे जी, और पूरे चुनाव तक, मतलब आप समझिए अगर 5 को पोलिंग थी, बड़ी मेहनत हुई, बड़ी मेहनत हुई है जी जी। और वो अंतर दिख पर आया, डर था क्या हारने का? हाँ, हो सकता था, इनको डर था। अच्छा, उनको अपना अंदर अंदरूनी कुछ रिपोर्ट आई होगी, उसी लिए तो शिवपाल जी को मिला लिए जी कि भाई चलो चाचा आप भी आओ जी। अब आप देख लीजिए, उसको वहां पे जाएंगे ना, हाँ। तो समाजवादी पार्टी का परिवारवादी पार्टी वाला मामला फिर खुल के सामने आ जाएगा कि सारा परिवार, डिंपल जी को लड़ाना था, वो परिवार की हैं और चाचा भी परिवार के ही हैं, तो हम सब लोग परिवार के ही हैं, बाकी तो जनता मूर्ख है, उसको जैसा चाहो वैसे चलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में ये सीट 4.5 साल के लिए थी, वहां कोई प्रयास नहीं किए, 1.5 साल के लिए मैनपुरी सीट थी, अभी तो फिर वहां चुनाव हो जाएंगे 1.5 साल बाद, सही बात है, वहां इतनी मेहनत कर डाली आपने, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, अंदर ही अंदर कुछ, ठीक है। अब उसके विकल्प तलाशने के लिए हो सकता है जेल में मिलने के लिए एक और अल्पसंख्यक नेता से मिलने गए हो, कुछ और समीकरण बनाया जा रहा हो समाजवादी पार्टी में, तो उनका अंदरूनी मामला है जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया इस बीच, उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने पास बैठाने का काम शुरू किया है जी, और वो कहीं ना कहीं वोट में भी तब्दील हो रहा है, चाहे वो डरबस ही हो, वो भयबस भी हो सकता है, कि बहुत से लोग इस समय इस मुद्दे से नहीं कह सकते कि हम डरे नहीं है, बहुत से लोग डर में भी शामिल हो जा रहे हैं, भाई आदमी कहीं ना कहीं, हर आदमी की पेंच दबी होती है, जो समाज में है कुछ काम कर रहा है तो 2-4 गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हो जाएंगी, बगल के बैठे हमारे प्रवक्ता से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, अब भाजपा उसको खोज लेती है कि भाई कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ, देखो क्या मामला है, पकड़ो इसको। शिवपाल जी ही मान लिए गए थे, उनको बंगला दिया, सिक्योरिटी दी, इसलिए दिया कि चलो भाई रिवर फ्रंट का मामला नहीं उठाएंगे जी, लेकिन जैसे ही लगा कि वहां चले गए अपने परिवार में वापस चले गए, तो उठा के फिर रिवर फ्रंट का मामला वो खोल दिया गया। तो आदमी भयभीत भी है, भय में भी बहुत साथ जा रहा है, जिस दिन हो सकता है सत्ता से दूर हो तो भारतीय जनता पार्टी, तो वहां भी भगदड़ मचेगी, लोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में है, अच्छा, और हर आदमी जो भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए देखना चाहता है वो समाजवादी पार्टी से ही चाहता है कि कुछ देखा जाए। सुभाषपा पे क्या बोलेंगे आप? सुभाषपा का देखिए, वो उनका स्टैंड ये है कि वो अभी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो कभी बयान देकर पहले देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े जबकि वो सत्ता की मलाई काट सकते थे, नहीं खाए, चले गए, फिर पूरे जितने साल 5 साल बाहर रहे, फिर चले गए विपक्ष में कि लगता है समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है उसमें चल के देखा जाए, वहां भी उनको कुछ नहीं दिखा तो वो भी चले गए। वो फिलहाल अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, वो जमीन वही है जैसे अभी आप पार्टी में जाके नहीं प्रवक्ता देखिए, प्रवक्ता के बयान को देखिएगा तो कितनी जातियों को गिना दिया इन्होंने, यानी कोई विकास का एजेंडा इनका भी नहीं है, अच्छा, ये अपनी जातिगत समीकरण में ही सारा कुछ खेल फंसाए हुए हैं। तो जो भारतीय राजनीति है वो जाति धर्म मजहब के अधिकों घूम रही है, सारी की सारी जो राजनीति है वो उसी के अधिक घूम रही है, और वहां से वो निकलने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जनतंत्र जो हमारा है, जो जनता है, वो भी अभी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा है, गुलामी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो भी उसको भी लगता है कि कोई हमारा नेता होगा हमारी बात कहेगा जी, बिल्कुल हमारी बात कोई कहने वाला है नहीं, राजनीति व्यवस्था ही ऐसी चल रही है। जयराम भाई मजा कर रहे हैं, जयराम भाई यहाँ पर अजय भाई बोले हमारे कि भाई राजनीति गिनाते रहते हैं, उसके अलावा कोई राजनीति है नहीं, आप लोग की बयान, और जब बयान शुरुआत करेंगे तो पूरी राजनीति पूरे जाके गिना देंगे, बोल दीजिए जी, आवाज चली गई आपकी जी। अगर वाकई में जातियां खत्म करना चाहते हैं तो जाकर के देश की सरकार और प्रदेश सरकार से ये कहें कि पहले जो तहसीलों में जात के नाम पे ठप्पा लगता है उसको बंद करा दीजिए। हम जाते हैं, अरे मिश्रा जी क्या कहेंगे आप, कहिए ना आप राज्यसभा बैठे, आप कहिए। गौरव भाई सुन लीजिए सुना दीजिए, हमारी बात सुनिए, हम बीच में बोलते नहीं, बोले इन्होंने कहा जातियां गिना दिया, अरे जात के नाम पे थाना, जात के नाम पर प्रभारी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि राजनीति यही हो रही है, जात के नाम विधायक, जाति और धर्म की ही राजनीति हो रही है, जाति और धर्म की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये सारे नेता ऐसे ही हैं। सुन
सारे नेता ऐसे ही है, जाति और धर्म पे ही सारा मामला टिका देते हैं। ये टिकाने का मामला है, आपके पास विकास का क्या मुद्दा है? आपका विकास कैसे होगा? उन जातियों का विकास कैसे होगा? उन जातियों का विकास कैसे होगा ये मैं बताइए कि आप गिनती गिनाएंगे कि फलाने 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 फलाने, वो तो एकदम रट्टा मार लिया आप लोगों ने। जैसे गणित का पहाड़ा गिना जाता है, दो दुना चार पांच छह सात आठ का पहाड़ा है, पहाड़े की तरह जाति गिनाते हैं आपके नेता भी और आप भी। तो जातिगत बातों पर मत करिए, विकास की बात करिए कि उन जातियों का विकास कैसे होगा, उन जातियों का विकास कैसे होगा, इसका क्या पोर्टफोलियो आपके पास है? वो कैसे होगा बताइए ना, ऐसे गिनती गिनाने से होगा कि एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ? गिनती गिनाने से नहीं होगा। किसी की हम बात करें आप उनके लिए क्या बताइए, भलाई के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके उनका उत्थान कैसे होगा, इस पर क्या विचारधारा है? ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ दस बारह गिनती गिना दीजिए। ये समस्या राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं ना वो बैठे होते हैं एक तरह से। अच्छा, अगर आपको विश्लेषण करना है जिन जातियों का तो आपने पूरा सुना ही नहीं ना, मेरी बात को पूरा आपने सुना ही नहीं। मैंने मैंने इस मुद्दे को कांग्रेस भी शुरू किया है। 75 साल की आजादी में भार्गव जी को थाने चौकी तहसीलों में उनको नहीं नुमाइंदगी है, उनका कैसे उद्धार होगा? भार्गव जी पहले यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैंने इसको कांग्रेस से शुरू किया है कि कांग्रेस से लेकर के सारे दल विकास के एजेंडे पे नहीं चल रहे हैं कि विकास कैसे होगा। आपने आप तो कह रहा हूँ कि आपने गिनती गिना दी कि फलानी 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 जाति ठीक है धर्म में भी जाति पहले सुन तो लीजिए। आप इतना हाइपर क्यों हो गए भाई? हाइपर नहीं हूँ। आप इतना हाइपर क्यों हो गए? ना ना ना, हाइपर नहीं, आप आरोप लगा रहे तब मैं कह रहा हूँ। हाइपर नहीं हूँ, आरोप लगा रहे तब मैं कह रहा हूँ। आप पूरी बात सुने नहीं, राजनीतिक विश्लेषक है तो आपको सुनना चाहिए। बीच में आप व्यक्तिगत हो गए थे ना, पर्सनल हो गए थे, इसलिए पर्सनल बात हुई है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जातियों का जो ठप्पा लगता है तहसीलों में बंद करा दीजिए, हम जातियों का नाम लेना बंद कर देंगे। मेरा काम नहीं है, किसका काम है? विश्लेषण का काम है जिन जातियों को 75 साल में नुमाइंदगी नहीं है, उसके हक अधिकार को उठाना गलत है। सवाल तो मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, वो सवाल मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, सवाल तो मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ। आप कैसे ही बात करते हैं? कांग्रेस को कांग्रेस के मित्रों को वो दर्द नहीं हो रहा है? जितनी भी कांग्रेस के मित्रों को वो दर्द नहीं हुआ? उनको नुमाइंदगी नहीं मिल रही, कैसे मिले? कांग्रेस के मित्रों को वो दर्द नहीं हुआ? विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी के मित्र को वो दर्द नहीं हुआ? आपको दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है विवेक भाई, यहाँ पर दारा भाई बोल रहे थे कि जो प्रसपा वाले जो नेता जो कार्यकर्ता रहे हैं और जो सुभाषपा के जो नेता है वो हमेशा यही बोलते हैं कि नफरत करते हैं और नफरत के बावजूद अब वो करें तो क्या करें। और जिस तरह से अखिलेश यादव की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ऐसी है जिस पे कोई जाना नहीं चाहता है। कैसे देखते हैं विवेक भाई? बुला कौन रहा है? अच्छा, बयान तो इनके नेता दे रहे हैं। अच्छा, और जितना आदरणीय दयाराम जी ने वक्तव्य दिया है, हाँ, पहले तो ये खुद ही स्पष्ट कर ले कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा भाई, रही बात जहां तक, यही तलाक मांगेंगे, यही फिर आकर के संबंध जोड़ेंगे। तलाक ये मांगे थे, आप दिए थे भाई, आपको याद ही होगा सारी सब सोशल। अरे वो तो सलाह दे रहे थे भाई। नहीं, सलाह दे रहे, बुरी बात है क्या? मित्र सलाह दे रही है नहीं, एसी में बैठ करके ट्वीट करना और एसी से निकल करके क्या हो गया? सुन लीजिए भाई, जयराम भाई पहले तो अपना पक्ष स्पष्ट करिए, ये चिल्लाने से डिबेट थोड़ी होती है भाई। एक सच क्या सुन लिया आपने, आपको बड़ा कड़वा लग गया। मैं आपको बड़ा धैर्य पूर्वक सुन रहा था, अगर आपके अंदर इतना सत्य तो सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं तो बड़े धैर्य से सुन रहा था आपको। मैं तो कह रहा हूँ ना कि पहले तो अपना स्पष्ट करें कि ये कहना क्या चाह रहे थे। मैं तो समझ नहीं पाया, मुझे लगता है उपस्थित सम्मानित पैनल में भी कोई समझ नहीं पाया कि ये कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा, मैं देखिए हमारे शमशी भाई भी हंस रहे हैं और आदरणीय हमारे जो विश्लेषक हैं वो भी मुस्कुरा ही रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो मुझे तो ये लगता है कि पहले तो आपको तलाक वाली बात पे मुस्कुरा रहा हूं भाई। नहीं नहीं, सोशल डोमेन में है ना, सोशल डोमेन में है। आपने हमसे सहयोग मांगा, हमने आपको रेड कार्पेट दे दिया, आपने तलाक मांगा, ले गया है। नहीं, हमने तो जब ये हमसे गठबंधन करने आए तो हमने रेड कार्पेट बिछा के स्वागत किया। अच्छा, और जब इन्होंने तलाक मांगा तो का सम्मान करते हुए इनको हमने जाने दिया। विवेक भैया से नहीं, पहले ये रेड कार्पेट कैसे दिया? ये पहली बार विधायक बने सुभाषपा के लोग? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी का उस समय भी स्टैंड क्लियर था, आज भी स्टैंड क्लियर है कि जो भी समाजवादी पार्टी के नीतियों के साथ मिलकर के विकास की परिधि में जुड़ना चाहता है उसके लिए समाजवादी पार्टी रेड कार्पेट बिछाती है। रेड कार्पेट का मतलब ये एक नुक्ता समझिए, चाहिए एक सामाजिक
वो समझिए कि जिस तरह राजनीतिक गलियारों में इस्तेमाल किया जाता है, एक लोकतंत्र समझिए इसको, लोकतंत्र के लेकिन सबसे बड़ी बात है दयाराम भाई जो इतनी देर से कह रहे थे, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चाचा के जाने से खफा है कि चाचा के मतलब आज हमसे जुड़ने से ज्यादा प्रसन्न थे, मैं समझ नहीं पाया। पहले ये रो रहे थे कि चाचा जी को सम्मान नहीं मिला, जब चाचा को सम्मान मिला तो ये और ज्यादा खफा हो गया और ज्यादा रोने लगे। मुझे तो ये अब सबसे बड़ी बात, ओपी राजभर जी ने वक्तव्य दिया है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, तो ये तो अपनी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं। इतनी देर से जो बैठ करके आलोचनात्मक बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर गठबंधन होगा तो इनको अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर जगह खाली है तो इनको भी अच्छे प्रवक्ता के एडजस्ट करा दीजिएगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है भाई, आदरणीय राजा जी ने कहा समाजवादी पार्टी ने न उसका विरोध किया न लेकिन दयाराम भाई को ये सोचना चाहिए कि भाई स्टेटमेंट भी तो आपके नेता ने दिया है ना। हाँ। तो आप तो अपने नेता की बात को नकार रहे हैं। हाँ। और सही बात देखा जाए तो नकार भी नहीं रहे हैं। अच्छा। आप तो चाचा के जाने से या जुड़ने से या उनको जब सम्मान मिलना बहुत ज्यादा खफा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है पहले हम कहां खफाई दे रहे हैं, आप अपने थोड़ा बयानों को देखिएगा, हम सब कंफ्यूज है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बात, हम सब आपने इनसे बार बार एक बात पूछी कि सुभाषपा का स्टैंड क्या, ये प्रसपा की बात करते रहे, या तो इनको प्रसपा में जाने वाले थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी की नीतियों के विरोध में जाकर के बोल रहे हैं, तो भाई मैं क्या कहूँ। अब ये जाने आदरणीय राजभर जी जाने, इनका अंदरूनी मामला है, हो सकता है कोई बात रही हो, बट अब ये जिस तरह के वक्तव्य दे रहे थे, आप डिबेट सुन ही लेंगे, हम उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। आपका गठबंधन के लिए नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी भाई। आपको आदरणीय चाचा जी भी आ गए, सुन तो लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ आदरणीय चाचा जी भी हैं, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं, ये तो उनको तय कर रहे हैं। लेकिन सुन तो लीजिए गौरव भाई, यहाँ तो ये स्वयं तय कर रहे हैं कि कौन जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे हो सकता है भाई। ये कष्ट तो इनको है, मना रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ये कष्ट इनको है, इनसे पूछिए, ये जवाब तो ये दे भाई। देखिए, मेरे राष्ट्रीय नेता ने अगर कोई बात कह दी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात कह दी, तो राजनीतिक दलों की और प्रवक्ताओं की भी एक मर्यादा होती है कि पार्टी लाइन के विरुद्ध कोई बात नहीं होती। ये तो तब से पार्टी लाइन के बाहर ही बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझी भाई, समझी भाई जी भाई, यहाँ पर सुभाषपा और सपा का जो अभी तक मेल मिलाप जो हुआ था, अब तो अलग हो गए हैं। जैसे जो कि विवेक भाई बोले तलाक 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 बोले हैं, अब फिर तलाक क्या होता है। समाजवादी पार्टी ऐसे ही लोगों से गठबंधन करती है जो खुद ही अपनी बातों से मुकर जाते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपने इनको देखा होगा, ये कौन सी बात है, मुकर जाते हैं। सुन लीजिए, मुकरते रहते, चुनाव के वक्त इनका गठबंधन होता है। और जैसे सर सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सर, सुनेंगे, जैसे चुनाव समाप्त होता है वैसे इनका गठबंधन टूट जाता है, क्योंकि इनके जो दल होते हैं वो चाहते हैं किसी भी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी दरवाजे से सत्ता के गलियारों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ अभी फिलहाल गठबंधन करने से पूरी तरीके से साफ इनकार कर दिया है। अब इनका मामला है समाजवादी पार्टी में जाएं, समाजवादी पार्टी इनको ले, उससे हमारा कोई खास हमारी पार्टी पे असर नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखा कि अभी 22 का चुनाव हुआ, चाहे उसके बाद ये आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, विकल्प खोल दिया भाई, विकल्प खोला नहीं, नहीं, जो भी चुनाव हुआ हो सभी पार्टियां मिलकर एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में प्रचंड बहुमत पाते हुए दोबारा सरकार बनाई। तो हमको जो है इनकी पार्टी के गठबंधन से या इनके छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने से कोई ऐतराज नहीं। हमने भी ओम प्रकाश जी को बहुत सम्मान दिया था। अच्छा। हमने भी उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह दिया था, हमने उनको कैबिनेट मंत्री में दर्जा दिया था, उनको बनाया भी था। लेकिन हमारे पास उससे एक योग्य नेता अनिल राजभर के रूप में मौजूद है, जिसको राजमंत्री तो उठाकर हमने कैबिनेट मंत्री बनाया और उसने लगातार दूसरी बार भी जीत हासिल की है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि राजभर समाज जो ओम प्रकाश राजभर के पीछे चल रहा है। अगर चल रहा होता तो जैसा ओम प्रकाश राजभर का दावा था कि 25 सीटें नहीं, उनकी सीट बढ़ी होगी, हमारी सीट तो कम नहीं ना हुई, हम तो अपनी सीटें लेकर आए। अब उनकी बढ़ रही तो किसकी, समाजवादी पार्टी की काट रहे हैं कि कांग्रेस की काट रहे हैं, बसपा की काट रहे हैं, किसकी काट रहे हैं, उससे हमारा हम अपना गौरव भाई जी, भारतीय जनता पार्टी की सीट 2017 वाली और 2022 वाली में घटी कि नहीं घटी, पूछ लीजिए प्रवक्ता महोदय से। भैया बोल ले, प्रवक्ता महोदय से पूछ लीजिए 2017 वाली क्या है इनके पास, बोल लेने दीजिए, सुन लीजिए, बोल लेने दीजिए। नहीं आप अभी फिर वही जाति गिनाने लगेंगे, वो हमको याद हो गए जितना आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो उसका टारगेट जो आने वाला चुनाव होता है उसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने भी 2022 का जो
मंत्रिमंडल तैयार के सभी जाति सभी धर्मों का समीकरण बनाकर आ गई ना, जिसके तो लिए हम 2024 में पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज का जो एक वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास, नहीं सुन लीजिए, अरे बात तो सुनेंगे नहीं, और मंत्री सारे बनते हैं। तो उसके बाद हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो अल्पसंख्यक समाज था जो इनको डरा धमका कर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो बसपा और कांग्रेस पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां और जो है उनका नाम लेना भी ठीक नहीं, वो सारे लोग अपना मुसलमानों के वोट पर राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज जिसमें जैन है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, पारसी है, सभी है, पढ़ लिख कर अब इतना समझदार हो गए कि अपने भविष्य का फैसला भारतीय जनता पार्टी, जदरी जातियों का, जदरी लोगों का नाम इन्होंने जयराम भाई ने अभी उंगली पे गिनाया है जी, वो आपके साथ है कि नहीं है? नहीं, हमारे साथ है तभी तो हम दोबारा से जीत कर आए हैं। अच्छा, न साथ होते तो हम दोबारा जीत पाते, अगर न होते तो हम दोबारा से जीत करके आते। हम तो सभी का, हमने तो सभी उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ जनता का सम्मान किया है कि उन्होंने दोबारा से योगी सरकार को बनाया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। सभी जातियों की बात करते हैं, बोलिए, इनको तो यही नहीं पता कि जातियां प्रदेश में रहती कि नहीं रहती है। अच्छा, नहीं पता है, समझे, पूछ लीजिए, बताइए बारी क्या होता, पूछ लिया तो यही हमने पहले ही बता दिया था कि इनको इनके यहाँ जो है कार्यकर्ता बनने के लिए इनके यहाँ जाति याद करने का 3 दिन का कोर्स होता है। जब ये जातियाँ याद कर लेते हैं तब इनके बाद मेंबरशिप का फॉर्म भरा जाता है कि अब देखिए आपको जातियाँ गिनवाना है। तो हम छोटी छोटी जातियों को एक करने का काम करते हैं। हमारा काम हम जो है ये अर्धवंशी, मौर्यवंशी, यदुवंशी, ये सब काम नहीं करते। हम ये देखते हैं कि जो दबे कुचले थे मुसलमान समाज में, जो दबे कुचले थे हमने उनको पसमांदा कहा, हमने उनको अंसारी कह के, सलमानी कह के, ये सब भाई एक समूह बनाकर उनको पसमांदा कहकर उनके विकास के लिए काम किया। और आज पसमांदा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब उसमें हम चले सलमानी ढूंढे, उसमें हम चले अंसारी ढूंढे, उसमें चले तो इस तरीके का काम रायनी ढूंढे, तो हमारे पास भी बहुत सी जातियां हैं। ये तो सिर्फ अपनी जाति की बात करेंगे, अगर हम अल्पसंख्यक हैं, हम अगर उसमें अपनी जातियां गिनाने लगेंगे तो आप भी नहीं बता पाएंगे। बताइए रायनी कौन होते हैं, क्या पैसेंट रायनी है, बताइए जरा, है पता आपको? नहीं पता होगा ना, भार्गव जी बताइए, रायनी क्या परसेंट है उत्तर प्रदेश में, है पता? अब आपको नहीं पता होगा। तो हमने इसीलिए जो है छोटी छोटी जातियों को यहाँ पर बांटने काम नहीं किया, हमने एक अल्पसंख्यक जो है समुदाय का एक पसमांदा समाज उठाया, जो दबे कुचले थे, अभी तक जिनको विकास नहीं हो पा रहा था, जिनको हक हुकूक नहीं मिल पा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ। समझी भाई, बोल रहे हैं आप कोर्स कराते हैं? गौरव भाई आवाज जा रही है मेरी? बोलिए, जा रही, बोलिए। हेलो, अच्छा जी, मैं इनकी बात सुन नहीं पाया। आप कोर्स कराते 3 दिन का, जातियत कराने का? सुन लीजिए जी, जी मैं इनकी बात सुन नहीं पाया, कुछ बोला हो सकता है नेटवर्क में कुछ रहा हो जी। बोलिए, दूसरी बात सुनिए जी, आप गौरव भाई इनसे पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 1526 थाने हैं, 1526 थाने में पिछड़ी जात को जो है 27% आरक्षण मिला हुआ है जी। आप बता दीजिए 1526 थाने में किस किस को कहां बैठाया है, मैं बता दूं सारी कहानी क्या? ये बैठे बैठे बोले बोले ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं लड़ते हैं? अगर उनके लोगों की नुमाइंदगी नहीं है तो क्यों नहीं लड़ाई होगी? इसी बात की तो लड़ाई है। आप लेने जाते हैं लड़ाई, तो जो गाड़ी वापस ले लिया अखिलेश यादव ने, उसकी लड़ाई आपसे समाजवादी पार्टी की है। चल के आपके नेता राजनीति कर रहे थे, अखिलेश यादव ने वो गाड़ी आपसे वापस ले ली। दूसरी बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पिछले 4.5 साल से 4.5 साल होने जा रहा है, योगी जी के टेबल पर पड़ा हुआ, उसे क्यों नहीं आप लोग लागू करते हैं? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत नाराज होंगे आपसे, सब तरफ मिलना चाह रहे हैं और आपके बयान से जो है सब तरफ से हटा दिए जा रहे हैं। संविधान है, रास्ता बंद हो गया आपके बयान करके, आप लाइए ना भाई। दयाराम भाई, समझिए, बोल रहे हैं गाड़ी छीन ली है अखिलेश यादव, तभी नाराज है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे गाड़ी आई कि नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। कितने परसेंट आप बता दीजिए? दूसरी बात सुन लीजिए, रायनी बता दें, सलमानी बता दें, कुरैशी बता दें, कितनी जाति हम इनको बताएं भाई? कहे नहीं बता पा, आप बताइए, नहीं तो आप बताइए, आगे ना उसी पे आप बताइए ना, हम वही बात कह रहे हैं। हमने सलमानी कुरैशी, हमने तो सबको एक बना दिया, पसमांदा समाज, वो क्या परसेंट है बता दें आपको? मैंने कहा दर्जी फकीर साईं सबकी बात में करता हूँ, दर्जी फकीर साईं सबकी बात करता हूँ, जुलाहा की बात करता हूँ,
मैंने कब मना किया? अरे इन जातियों को नुमाइंदगी कब होगी? 75 साल की आजादी में भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल महोत्सव मनाती है। भाजपा भी थाना चौकी में चले जाइए, लोगों को कहीं नुमाइंदगी नहीं है। बीजेपी पर सवाल कहां होगा? प्रकाश राज भर करते हैं, कैसे तो आप लोगों को फिर नजर होता है? क्यों नजर होता है भाई? बीजेपी को 75 साल थोड़ी ना हुए अभी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 75 साल अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। अच्छा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, सत्ता में कौन है? किससे पूछा जाएगा बताइए? बिल्कुल पूछिए सारा भाई, समझी भाई, जवाब दीजिए भैया। विपक्ष से पूछे तो गलत जी, जवाब नहीं देते भैया। सबसे समस्या आप लोग सारी यही है, जवाब दीजिए भाई। ना इनकी बातों का जवाब देखिए देना जो है बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी बातों में कोई दम नहीं है, ना इनकी बातों में दम है। आप बताइए जब भी इनसे बात होती है, अभी सीधी सीधी बात विवेक यादव जी ने पूछा कि आपने भी पूछा 10 बार सुनिए, 10 बार पूछा होगा कि जो बयान आपके नेता ने दिया है कि शिवपाल यादव जी से अगर बात हो जाएगी तो हम तैयार है, आपने उसका अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दिया। दिया आपने ऊपर का राजभर जी का बयान का कुछ नहीं? आप तो तैयार है कि शिवपाल यादव जी आपको बुला ले, आप तैयार है कि आपको समाजवादी पार्टी बुला ले, आप तैयार है कि आपको कोई दल बुला ले, क्योंकि बगैर किसी दल के, बगैर किसी दल के आप 5 जिले से 6वें जिले में नहीं जा सकते। जब तक किसी बड़े दल से आप संपर्क नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, तब तक आप 6वें जिले में आप प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो चाहे कहीं का भी हो। चाचा शिवपाल के साथ आए थे, क्या उनका दिल मिलेगा? क्या वो लोग जाएंगे? इन्हीं बातों की तो चर्चा कर रही है प्रकाश राज भर कर रहे हैं। लगता है कि थोड़ा इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? बाहर रहते हैं जब हम वंचित समाज की बात करते हैं, के बाहर सारी बातें करते हैं, की बात करते हैं, व्यंग के वोट के दम पे भारतीय जनता पार्टी जयराम भाई पार्टी के साथ है। जयराम भाई शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के साथ है। जयराम भाई इस बात को स्वीकार कीजिए, और ये सोशल डोमेन नहीं है, ये जग जाहिर बात है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे, आपके नेता ने ये वक्तव्य दिया है। समाजवादी पार्टी या भाजपा या किसी अन्य दल की बात नहीं हो रही है, लेकिन आप जिस तरह लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा अपनी नीतियों को स्पष्ट कीजिए। आप वाकई अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ट्रस्टा विलय हो चुकी उसमें जाने की आपकी उम्मीद थी, या समाजवादी पार्टी से आपको कोई विशेष लाभ चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा। अरे नफरत करते तो कीजिए भाई, आपका व्यक्तिगत मत है वो, लेकिन आदरणीय शिवपाल जी तो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत धार बन के खड़े हैं भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आपका ये डिबेट जो है, आपकी सोच का स्तर, आपकी डिबेट का स्तर। मुझे तो अब ये यकीन होने लगा है कि आदरणीय राजभर जी को सोचना पड़ेगा कि कार्यकारिणी का फिर से गठन करें भाई। घड़ी की सुई कहां से कहां चली गई, ये तो अभी तक शून्यकाल बैठे हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है ये टाइम सेविंग इनका टाइम मशीन में न चले गए, टाइम जोन चेंज हो गया हो। भाई आदरणीय शिवपाल जी जग जाहिर बात है समाजवादी पार्टी के साथ है, और ये अभी तक अटके हैं कि नफरत करते थे न जाने कौन कौन सी बातें लेकर के। भाई सारी बातें आपने कर दी, आदरणीय राजभर जी की बात पे भी तो 2 शब्द बोल दीजिए, जो आपके नेता है भाई। भाई हमने कब कहा? नेताजी ने बोला नेताजी है, हमने कब कहा बताइए? अरे तो आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि व्यक्तिगत आपको गौरव भाई आपने व्यक्तिगत बिठाया उनको व्यक्तिगत कैपेसिटी पे, वो अपनी बात कर रहे हैं, आप बताइए फर्जी उनसे आप राजभर जी की बात किए जा रहे हैं? नहीं सुभाषपा के प्रवक्ता कैसे, उन्होंने खुद ही कहा नेताजी अपनी बात जाने, उन्होंने कहा नेताजी अपनी बात जाने, वो अपनी बात कर रहे हैं। गौरव भाई गलत है, आप पहले स्पष्ट कीजिए कि ये सुभाषपा के प्रवक्ता की व्यक्तिगत कैपेसिटी पे। सुन लीजिए, अरे भाई कान के बहरे सुन तो लो, आप लीजिए ये मतलब ये कौन सा तर्क है भाई, ये कौन सा तर्क है मतलब, ये बताइए। नहीं नहीं जयराम भाई सुनिए, आप बोलते बहुत अच्छा होंगे लेकिन बोलने में मैं आपसे बहुत बेहतर हूँ, लेकिन इतना असंस्कारित रूप से मैं नहीं बोल सकता, मर्यादा होती है। यहाँ बैठे हैं, देखिए हमारे राजनीतिक विभेद हो सकते हैं, मतभेद थोड़ी है, हमारे राजनीतिक विभेद है, मतभेद थोड़ी है। आप मेरे पटदार हैं? नहीं नहीं, आपने ऐसी बात बोल दी, ये तो वो हो गया कि जैसे लगत पाए कि पूर्वांचल में खड़ा हो गया तो आज मेड़ काट ले रहे, मतलब तू तो वो भाषा बोल दे रहा कि मतलब पहले जाने का ये स्तर है क्या? ये प्रवक्ता का स्तर है, ये एक प्रवक्ता का स्तर है, मतलब शमशी भाई बैठे हैं, हमारे इनके पूर्व राजनीतिक विरोध है, लेकिन हम लोग कभी किसी के लिए सभ्य भाषा का इस तरह के प्रवक्ता आकर के डिबेट का स्तरहीन कर देते हैं। और बताइए जाकर के नेताओं में द्वंद्व जाता है, पार्लियामेंट लेवल पे पार्लियामेंट्री शब्द ढूंढे जाते हैं। भाई थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए, देखिए सभ्य लोग बैठे हैं, सब आप भी सभ्य हैं, आप भी सभ्य हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों की भाषा बोल रहे हैं
आप दयाराम भाई थोड़ा सा देखिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। आप ओम प्रकाश राजभर हैं, यहाँ पे आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं बहरा और इस तरह की, ये शोभा नहीं देता। और वैसे मान सकता हूँ वैसे आप लोगों की भाषा यही तो ठीक है। आप सभी हो गया। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मिलने गए, यहाँ चर्चा थी कि बलवंत सिंह के परिवार से मिलने गए, यहाँ चर्चा थी आजम खान से 27 महीने जब वो जेल में निरुद्ध थे तब मिलने क्यों नहीं गए, कारण क्या रहा, दिक्कतें क्या रही, मन नहीं था या कोई समस्या थी, वो तो अखिलेश यादव जानते होंगे या फिर उनका मन जानता होगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह, यहाँ मुलाकातों के बीच में जिस तरह से राजनीति गर्म होती है वो काबिल तारीफ नहीं है भाई। अगर कोई मुलाकात हो रही है, और ये हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है कि कोई भी आदमी अगर जेल में कोई इंसान निरुद्ध है तो उससे मिल सकता है, पर राजनीति क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि चर्चाएं चलती रहेंगी, मुलाकातें भी चलती रहेंगी, 24 का चुनाव है और यहाँ बातें भी चलती रहेंगी, पर बयान क्या आते हैं, उस पर स्टैंड कौन करता है, कौन किससे जाके मिलता है और कौन किससे अलग होता है, अभी ये कुछ बहुत कुछ देखना बाकी है। 24 चुनाव है, निकाय चुनाव है और चर्चा चलती रहेगी, पर शायद इन चर्चाओं के बीच एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ चर्चा शायद डिबेट से हटकर, सोशल मीडिया से हटकर धरातल पे भी आ जाए, और वो चर्चा होनी चाहिए जनता की, कि जनता जनार्दन है, वही जनाधार देती है, वही आपको सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाती है, पर जनता के लिए लड़ने का मादा फिलहाल किसी विपक्ष में नजर नहीं आ रहा है। जब लड़ेंगे और जब संघर्ष करेंगे तभी तस्वीर बदलेगी, अन्यथा ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी और बयानबाजी जो सोशल मीडिया पे है उसी से बाजार गर्म होता रहेगा, वो बाजार है राजनीति का, व्यवस्थाओं का और चर्चाओं का। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।